मोनेटाइजेशन, तो ये एक ऐसा वर्ड है जो हर क्रिएटर का ड्रीम होता है। अब कुछ लोगों का डाउट होता है कि भाई हम अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज करवाएं, यार वॉच टाइम ही नहीं हो रहा है, मोनेटाइज कैसे करवाएं, तो इस पर तो वीडियो में आगे बात करने वाले हैं ही। इसके अलावा मैं आपको 6 ऐसे स्टेप्स और मोनेटाइजेशन से जुड़े सेक्रेट्स बताऊंगा, जिनको अगर तुमने जान लिया तो डेफिनेटली तुम्हें बूस्ट मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर मोनेटाइजेशन है क्या, और अपना फर्स्ट स्टेप भी यही है, व्हाट इज मोनेटाइजेशन, क्योंकि मे बी 95% क्रिएटर्स, इसमें मैं न्यू क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी मोनेटाइजेशन का मतलब ही नहीं पता होता है। तो मोनेटाइजेशन का मतलब अगर आप 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम समझ रहे हो तो बिल्कुल गलत है। वैसे सही तरीके से देखा जाए तो मोनेटाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको मोनेटाइजेशन कहते हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई इस नॉलेज का हम क्या करें, तो हाँ ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। इसके अलावा आगे के स्टेप्स और सीक्रेट्स में मैं आपको बताने वाला हूँ, उनमें अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका चैनल आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा। तो सेकंड और पहले सीक्रेट स्टेप की शुरुआत भी यहीं से होने वाली है, और वो है कि मोनेटाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। अब सबका आंसर होगा कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने की बात तो हमें वीडियो में आगे करने वाले हैं, फिलहाल हम सबसे बड़े माइलस्टोन 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें ये जानने वाले हैं, और इसी से रिलेटेड है अपना थर्ड स्टेप, और वो है कि अगर वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो कंटेंट को गलत करो। अब भाई ये क्या कह रहे हो, तो हाँ वॉच टाइम के लिए व्यूज़ ज़रूरी होते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन व्यूज़ आएंगे कैसे, इसके लिए तुम्हें दो बातें जाननी होंगी। पहली तो ये कि टॉपिक सही रखो, और दूसरी ये कि टॉपिक सही रखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न लेवल बहुत ऊपर चला गया है, तो देखो आप हर बार अच्छे कंटेंट पर वीडियो डालते हो लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं आने का रीज़न आपका टॉपिक या कंटेंट नहीं है। बिकॉज एग्जांपल के तौर पर गेमिंग चैनल वाला बंदा हर वीडियो के साथ क्या यूनिक करेगा जिससे उसके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, तो कोई टॉपिक यूनिक नहीं होता है, उसे बनाना पड़ता है यूनिक। और इसी को डिटेल्स में समझने के लिए आपको स्टेप नंबर 4 को समझना होगा, और वो है हाउ टू डिलीवर। इसको तुम इस चीज़ से समझ सकते हो, जैसे 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई 0 सब्सक्राइबर्स पर, सब कुछ होगा, और अगर मैं थंबनेल पर इसकी जगह लिखता यूट्यूब के 2 नए अपडेट है, तो इस पर 50% क्लिक्स आते, लेकिन दोनों वीडियोज़ तो सेम ही होती, फिर इस पर व्यूज़ कम क्यों आते। तो यही है कॉन्टेंट डिलीवर करने का तरीका। लेकिन भाई एग्जाम्पल तो आपका ठीक है, अब हम अपने कंटेंट को सही तरीके से डिलीवर कैसे करें, तो इसके लिए स्टेप नंबर 5 है, और वो है वॉच एडवर्टाइजमेंट्स। हाँ अगर तुम्हें कंटेंट डिलीवर करने का बेस्ट से बेस्ट तरीका जानना है ना, तो एडवर्टाइजमेंट को देखो। इनमें प्रोडक्ट तो नॉर्मल सा ही होता है, लेकिन उसे इतना तगड़े तरीके से दिखाया जाता है कि हर कोई उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। अब भाई चलो कंटेंट डिलीवर करके 100% व्यूज़ आ जाएंगे, तो देखो 100% गारंटी तो पप्पू की 10th क्लास में पास होने की भी नहीं है, लेकिन अगर तुमने बाकी के स्टेप्स को जान लिया तो आपका चैनल आसानी से ग्रो और हो सकता है, मोनेटाइज भी हो जाए। और स्टेप नंबर 6 है सब्सक्राइबर्स बेस, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसके अलावा तो चाहे कितना भी तगड़ा कॉन्टेंट डिलीवर कर लेना, लेकिन अगर सब्सक्राइबर्स बेस नहीं होगा तो उसे देखेगा कौन। अगर आपको फर्स्ट के 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करो, और YouTube एल्गोरिदम को समझना है तो राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करो।